सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वेबसाइट पे, ठीक है, या फिर एसएल की वेबसाइट पे एक नोटिस रिलीज हुई है। ठीक है, ये नोटिस 3 अगस्त को रिलीज हुई है और ये नोटिस में ये लिखा गया कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स यानी कि बीकॉम ऑनर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ये नोटिस है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मीन फॉर ए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि एसओएल के बच्चों के लिए। ठीक है, अब इसमें 2 करेक्शन की गई है। ठीक है, अब जो डेट शीट है एसओएल के जो प्रिंसिपल सर है उनका कहना है कि हमारा डेट शीट वेबसाइट पे डीयू की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, अब जब डीयू की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे रेगुलर के साथ जो डेट शीट है वो अपलोडेड है। तो हम इसका मतलब सर ने ये कहा कि जो रेगुलर के डेट शीट है क्या वही एसएल के बच्चों के लिए डेट शीट है? अगर हाँ, अगर ये बात सही है तो फिर ये 2 करेक्शन क्यों किए गए? क्योंकि ऑनर्स के रेगुलर में जो ऑनर्स मतलब कि बीकॉम ऑनर्स का जो डेट शीट है उसमें 28 जो डेट शीट यहाँ की गई है, यहाँ पे 28 अगस्त का किए गए। ठीक है, 21 अगस्त को और यहाँ पे 28 अगस्त को। ठीक है, दोनों में कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। 21 और 28 अगस्त का रेगुलर के डेट शीट में बीकॉम ऑनर्स में कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं दिया गया। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वेट करना जब तक कि एडमिट कार्ड ना आ जाए। एडमिट कार्ड शाम तक आएगा। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस हुआ है ये देख लो, खासकर बीकॉम ऑनर्स। 9 बजे पेपर हो गया। ठीक है, पहले आपका पेपर एक जो था, ठीक है, वो आपका था कितना, 3 से 6 के बीच में। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक का जो पेपर है वो 9 से 12 हो गया है। दूसरे में इन्वायरमेंटल साइंस सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए है, वो 9 से 12 हो गया, यानी कि 2 पेपर आपका 9 से 12। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में हो गया। पहले आपका जो 2 पेपर था वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, लेकिन अब जो शिफ्ट है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वेट करना, एडमिट कार्ड भी आज शाम तक रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आज शाम को नहीं होती है तो कल सुबह तक हो जाएगी, मैं आपको यूट्यूब के थ्रू आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे और भी लेटेस्ट अपडेट है ड्यू के वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।